हेलो दोस्तों, एस के जे स्टडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिश में डाइजेशन की क्रिया को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फिश का डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इसका माउथ देख लेते हैं। माउथ में आपको नज़र आएगा यहाँ पर टोंग, टीथ, बकल कैविटी। तो आप देख सकते हैं कि कई फिशेस में टोंग पाया जाता है, जो कि एक मस्कुलर लेयर होती है जो कि माउथ के क्या बोल सकते हैं, माउथ के ऊपरी सतह से लगी हुई होती है और एक मस्कुलर लेयर होती है। तो टोंग भी पाया जाता है और ये माउथ हो गया। माउथ के साथ साथ टीथ होता है और तीन टाइप के फिशेस होते हैं जो कि उनके फूड मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट या फिर के आधार पर मछलियों को तीन टाइप से बांटा गया है। एक तो होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो सबसे पहले यहाँ पर बकल कैविटी आता है। बकल कैविटी एक माउथ की कैविटी होती है जिसे बकल कैविटी कहते हैं। भोजन यहाँ से माउथ से होकर बकल कैविटी में एंटर करता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होती है, गिल स्लिट होती है। ये भी एक कैविटीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें गिल है जो गिलरेकर द्वारा लगे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक प्रकार से कैविटी होती है जिसकी जिसमें फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में भोजन एंटर करता है। उसे जो डाइजेस्टिव यहाँ पर बलगम या फिर बोल सकते हैं स्लाइमी सीक्रेट होता है जिसके थ्रू डाइजेशन की क्रिया होती जाती है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से आगे बढ़ता हुआ ईसोफेगस में जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, क्योंकि कार्निवोरस और हर्बीवोरस में जो फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसके अनुसार पर स्टमक का जो स्ट्रक्चर या साइज होता है वो अलग अलग होता है। हर्बीवोरस में इसका जो साइज होता है छोटा होता है और कार्निवोरस फिशेज में जो कि डाइजेशन की क्रिया के लिए, उसमें कार्निवोरस जो कि मीट वगैरह या फिर दूसरे एनिमल्स को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसमें स्टमक लार्ज होता है। तो इसके बाद स्टमक हो गया। स्टमक के बाद आता है लीवर। लीवर एक प्रकार का हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये डाइजेशन की क्रिया में डिफरेंट टाइप के एंजाइम जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन्स, काइमोट्रिप्सिन्स, कार्बोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ये सब रिलीज करते हैं और डाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है पाइलोरिक सीका। ये एक प्रकार से स्टमक पर या फिर स्टमक पर पाए जाने वाले उंगली फिंगर लाइक्स फोल्डेड होती है, तो इसे पाइलोरिक सीका कहते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है जो भोजन को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हम आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैनक्रियास होता है। इसके द्वारा भी डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जस्ट लाइक पेप्टाइड, ट्रिप्सिन्स आदि। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। चूँकि इंटेस्टाइन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशेस में कार्निवोरस, हर्बीवोरस में अलग अलग होता है, जो कि ये हर्बीवोरस में क्या होते हैं, एक प्रकार से छोटे होते हैं और कार्निवोरस में नहीं, कार्निवोरस में जो इंटेस्टाइन है छोटा होता है और हर्बीवोरस में बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हर्बीवोरस में जो डाइजेशन की क्रिया है जटिल होती है, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, छोटा इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद आगे आता है, ये इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में से होता हुआ ये रेक्टम हो गया। रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ से एक्सक्रेटरी पदार्थ, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, ये एक प्रकार से ओवरी है फिश का। इसमें बहुत सारे एग हैं, एक फीमेल फिश है और इसे बोलते हैं स्विम ब्लेडर। ये मछलियों को तैरने में बहुत ही इनकी बॉडी वेट को हल्का बना के रखता है और जिससे मछली आसानी से तैर सकती है, अपने बॉडी को मेंटेन करती है। स्विम ब्लेडर पाया जाता है। ये गाल ब्लेडर है दोस्तों। गाल ब्लेडर भी डाइजेशन की क्रिया में हेल्प करते हैं। इसे भी डाइजेस्टिव एक प्रकार से सैक या थैली बोल सकते हैं। भोजन इसमें भी एंटर करता है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।